गुड इवनिंग एवरीवन। सर, आजकल बच्चों में खांसी की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि सर ये सीज़न खांसी का चल रहा है। तो सर, इसी से मिलता जुलता एक हमारे पास टॉपिक है, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। तो सर, आप बताइए कि ये क्या है। देखिए, जो क्लासिकल एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है वो एस्थमा से भिन्न है। एस्थमा के अंदर तो जो रीजन है वो इन्फ्लेमेशन का है, जी उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर एलर्जन से ट्रिगर होते हैं। और जो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है उसके बारे में हाइपोथेसिस ये है कि वो ठंडी हवा से जो सांस की नली इरिटेट हो जाती है कुछ लोगों की, तो उससे वो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। जहाँ तक इसमें क्या होता है कि जब हम भागते हैं, तो जब भाग के चुकते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है, सांस आना बंद हो जाता है, या भागने के दौरान ही ऐसा होने लगता है। अगर आप इन जनरल देखें तो एस्थमा के जितने भी पेशेंट होंगे 90% को तो ये होता ही होता है। बट अदरवाइज जो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा जो हम कहते हैं उसके अंदर उन लोगों को अदरवाइज एस्थमा नहीं होता, बट उनका एक्सरसाइज से ये सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। सर, मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस्थमा और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा? वो मैंने जैसा बताया ना, वो इन्फ्लेमेशन है, उसमें सूजन है, एलर्जन्स ट्रिगर्स होते हैं उसके, इमोशन से, डस्ट से, स्मोक से वो प्रेसिपिटेट होता है और बंदे की टेंडेंसी होती है। और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कोल्ड एयर से जनरली प्रेसिपिटेट होता है, या आपकी एक्सरसाइज से पहले आपने वार्म अप नहीं करा, आप ट्यून्ड अप नहीं है, तो आपको प्रेस्पिरेट हो सकता है अगर आपकी टेंडेंसी सर, छोटे बच्चों में हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा है? है। अगर अदरवाइज बच्चा ठीक रहता है, बट जब वो ज़्यादा रनिंग करता है या शैतानी करता है तो उसको खांसी शुरू हो जाती है या वो ब्रेथलेसनेस हो जाती है इस तरह से। और अगर वो बच्चा स्पायरोमीट्री कर सकता है तो स्पायरोमीट्री के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा डायग्नोस करने के लिए, बट जनरली स्पायरोमीट्री 5 साल से ऊपर के बच्चों की ही करी जा सकती सर, बच्चों में किस एज तक ये एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा स्टार्ट होता है? है। जनरली ये सभी एस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम 3 साल की एज के बाद शुरू होती है। सर, आप हाउ वी कैन प्रिवेंट एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा? इसके लिए अगर हम एक्सरसाइज करने से पहले अपनी टॉलरेंस बढ़ाएं, वार्म अप करें और धीरे धीरे शुरू करें एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि जनरली होता उल्टा है, जब भी कोई शुरू करता है तो वो ज़्यादा करने लगता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम अपने आप को रेडी करेंगे किसी भी एक्सरसाइज के लिए, प्लान करेंगे, तो फिर कम होएगा आप, मतलब आप उसके लिए आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी। थैंक यू सर।